कलर कार्ड पढ़ाने जा रही हूँ। दो कलर कार्ड में इसमें मुख्य कैरेक्टर, मुख्य पात्र ये सभी है, पहला है बुलाकी दास, चूड़ामणि, मार्तंड, रामनाथ, परमानंद। बुलाकी दास जो है वह एक मकान मालिक है, चूड़ामणि एक कवि है, वह कविता लिखता है, मार्तंड एक चित्रकार है, वह ड्राइंग करता है, चित्र बनाता है, रामनाथ एक सेठ है और परमानंद एक प्रकाशक है। तो इस दो कलाकार कहानी के द्वारा जो है, यदि हम कलाकारी की कीमत नहीं चुका पाते हैं या हम उसका कीमत ठीक ढंग से अदा नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से उसे गुस्सा आता है और वह दौड़ते हुए वह जो है इस कहानी में एक तो हंसी से भरा हुआ कहानी भी है और इसमें हम लोग जानेंगे जैसे चूड़ामणि जो कि एक कवि होता है और मार्तंड एक चित्रकार होता है, तो चूड़ामणि इन दोनों से मकान मालिक बुलाकी दास जो है वो कवि कविता भी लिखवाते हैं और एक चित्र भी बनवाते हैं, लेकिन उसका कीमत सही नहीं चुकाते हैं, वे उसका सही दाम नहीं देते हैं, तो इस पर जो है वह चूड़ामणि उनसे उसी के मकान मालिक का जो है उसी में रहता है, तो वह मकान का किराया भी वह अपने चापलूसी से जो है वह माफ करवा लेता है और वह कहता है कि इसमें जो है आपका घर का किराया जो है वह अदा हो गया। और उसी तरह से चित्रकार जो है वह उसके यहाँ से एक सेठ होते हैं और एक प्रकाशक जो है, प्रकाशक जो है जब चूड़ामणि कवि कविता लिखता है तो वह प्रकाशक जो है उसके कविता का ठीक कीमत नहीं देते हैं और वे प्रकाशित कर देते हैं, तो इस तरह से उसे भी गुस्सा आता है। तो हम लोग इस किताब से इसमें दिया गया है किस तरह से क्या बताया गया है उसे हम लोग पार्ट पार्ट करके जानेंगे। तो इसमें जो है यह कहानी दो कलाकार भगवती प्रसाद, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई हास्यप्रद कहानी है, यह एकांकी है, एक नाटक है। इसमें लेखक हास्य व्यंग के माध्यम से कलाकारों के जीवन की आर्थिक विषमता का चित्रण किया है। कलाकार भावुक और प्रेमी स्वभाव के होते हैं। कलाकार कैसे होते हैं? वे भावुक होते हैं और वे स्वभाव के प्रेमी स्वभाव के होते हैं। चालाक और धूर्त लोग उनकी कला का मूल्य नहीं समझते और अपनापन दिखाकर उनसे निःशुल्क सेवा लेना चाहते हैं। कलाकार भावुकता और प्रेमवश मुफ्त में अपनी सेवाएं देकर शोषण के शिकार भी हो जाते हैं। वे जो है भावुक हो जाते हैं और दूसरों की सेवा करने के लिए उनका अपने कलाकार के अपना कलाकारी के द्वारा जो है दूसरों की सेवा करते हैं, वो शोषण के शिकार हो जाते हैं, उनका सही कीमत नहीं दिया जाता है और वे उसी तरह से जैसे के तैसे ही रह जाते हैं और ऊपर ऊंचाई को छूने में उसमें उनमें कमी रह जाती है, वे क्योंकि वे शोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें इस एकांकी में भी यही हुआ है, क्या हुआ है? तो एक बुलाकी दास चित्रकार मार्तंड द्वारा चित्र बनवाता है और झांकी सजवाते हैं और कवि चूड़ामणि, कवि जो है चूड़ामणि से काव्य रचना करवाते हैं, लेकिन किसी को भी पारिश्रमिक नहीं देते हैं और उसके मेहनत का फल जो पैसे उसका होना चाहिए, जो कीमत होना चाहिए वह नहीं देते हैं। लाला रामनाथ भी मार्तंड द्वारा बनाए गए तस्वीर के 50 रुपए के स्थान पर केवल 7 रुपए लगाते हैं। प्रकाशक परमानंद भी चूड़ामणि को पुस्तकों के लेखन का कोई पारिश्रमिक नहीं देता है, वह उसका जितना मेहनत किया हुआ है उसका कीमत सही कीमत उसे नहीं देता है। चूड़ामणि क्षुब्ध होकर परमानंद की सोने की घड़ी उठाकर भाग आता है और अंत में अपने पैसे ही वसूल नहीं करता बल्कि अपमान का भय दिखाकर उसकी घड़ी भी हथिया लेता है। वह मकान मालिक बुलाकी दास को भी अपनी वाक्पटुता के जाल में फंसाकर बिना कुछ दिए ही किराया देने से मुक्ति पा लेता है। मार्तंड रामनाथ के घर जाकर उसकी नाक पर घूंसा मारकर भाग आता है और जल्दबाजी में अपने चित्र के स्थान पर उसके पिता का चित्र उठा लाता है और चित्र की नाक गायब कर देता है। रामनाथ विवश होकर
उसके पारिश्रमिक के 50 रुपए दे देता है। वह भी चूड़ामणि की तरह बातें बनाकर मकान किराए से मुक्ति पा लेता है। तो इस तरह से इसमें जो है अब हम लोग इन पात्रों के द्वारा हम लोग जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसमें जो है सबसे पहले स्थान, इसमें तुम लोगों के बुक में बताया गया पेज नंबर 109 में, इसमें स्थान कौन सा जगह है तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर पात्र परिचय, क्योंकि मैं बताई गुलाटी दास जो है एक मकान मालिक होता है, चूड़ामणि एक कवि होता है और मार्तंड एक चित्रकार है, रामनाथ एक सेठ है और परमानंद एक प्रकाशक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थान कौन सा है। तो किसी बड़े शहर के बड़े भवन का एक कमरा होता है, एक बड़ा सा कमरा, कमरे में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर नहीं है, वहां कुछ नहीं है। अंदर की तरफ कमरे के आधे भाग में तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं और दूसरे आधे भाग में पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं। फर्श पर स्टेज के एक विंग से लेकर दूसरे विंग तक चटाई बिछी हुई है। चटाई के बीचों बीच एक तकिया है जो मंच के सामने न होकर दोनों विंगों के सामने है। तकिए को अपनी पीठ पर रखकर विंग की ओर मुंह किए एक ओर पंडित चूड़ामणि बैठे हैं और दूसरी ओर मिस्टर मार्तंड बैठे हैं। चूड़ामणि के आगे एक मोटा सा रजिस्टर है जिस पर वे फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं। मार्तंड के आगे छोटा सा स्टैंड है जिस पर एक अधबनी तस्वीर लगी है। उसके हाथ में एक तुलिका है, तुलिका एक ब्रश है और वह तस्वीर बना रहा है। तो चूड़ामणि, वह जो है चूड़ामणि, जैसे वह कविता लिखता है, कविता की रचना करता है, तो वह कलम से लिखते लिखते कलम रोक देता है और उसकी आंखें रजिस्टर पर ही लगी होती है, वह रजिस्टर ही देख रहा होता है। तो वह और कहता है, सुना मार्तंड, आज मैं प्रकाशक परमानंद के यहाँ गया था। वह बोला कि किताबें बिकती ही नहीं, पैसा कहाँ से आए? एक पैसा मेरे पास नहीं है और बदमाश ने कल ही एक मोटर खरीदी है। इस पर मार्तंड कहता है, वह चित्र बना रहा है तो अपनी ब्रश रोक कर और तस्वीर को और ध्यान रखते हुए वह कहता है, भाई यह तो बुरी सुनाई, मैं तो सोचता था कि तुम रुपए ले आए होगे, नहीं तो मैं लाला रामनाथ के हाथ 7 रुपए में ही तस्वीर बेच देता। वह जो है मार्तंड जो चित्र बनाता है उसका कीमत, रामनाथ जो कि एक सेठ है, वह 50 रुपए उसका कीमत होना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ 7 रुपए ही लगाता है। तो वही बात वह कह रहा है कि मैं उसे 7 रुपए में ही बेच देता क्योंकि पैसों की जरूरत थी। इस पर चूड़ामणि कहता है, रजिस्टर पर आंखें गराता है, मस्तक पर बल पड़ जाते, क्या कहा, तुम ही रुपए नहीं लाए? तो मार्तंड कहता है, चित्र पर तुली से रंग देते हुए, चित्र पर ब्रश से रंग देते हुए, लाला कैसे लाता कैसे, भला बताओ, 50 रुपए की तस्वीर के कोई 25 तक दे दे तो भी वह बेची जा सकती है, लेकिन जब कोई यह कहे कि मैं 7 रुपए के ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दे सकता, तब भला तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता था। तो चूड़ामणि कहता है, ऐसी बात है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उसे साफ कहता कि तुम्हारे बाप ने भी कभी तस्वीर खरीदी है कि तुम ही खरीदोगे, और यह कहकर मैं सीधा वापस आता। इस पर मार्तंड कहता है, तस्वीर बनाता हुआ फिर कहता हुआ, अच्छा होता कि तुम ही मेरी जगह वहां होते। अब चूड़ामणि फिर कहता है, लिखता हुआ, तो यह तुम बुद्धू की तरफ चले आए? फिर मार्तंड कहता है, तस्वीर बनाना रोकते हुए वह कहता है, नहीं यार, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना कहा तुम चोर हो, और जब उसने सिर उठाया तब मुझसे रहा न गया और मैंने उसे कहा तुम उठाईगीर हो। उसे इस तरह के जो है शब्द वे वह बोला, और जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतना कहने का लालच न रोक सका और मैं उनसे कहा तुम गिरफ्तार हो। अब चूड़ामणि कहता है, हंसते हुए रजिस्टर को देखता है, बात तो तुमने बेजा नहीं कही, अच्छी बात कही। तो मार्तंड कहता है, मुस्कुराते हुए तस्वीर पर तुली चलाने लगता है। फिर
ब्रश से वह पेंट करने लगता है। नहीं, बात तो बेजा नहीं थी, लेकिन बात कहने के जोश में मैं यह भूल गया था कि मैं उसके घर में हूँ, बैठा हूँ, और उसके 10-5 नौकर भी हैं वहाँ पर। अब चुड़ामणि फिर कहता है, तो फिर तुम पीटेगी? इससे क्या लग रहा है, वहाँ पर 10-5 वह जब कहता है, मार्तंड जब कहता है कि वहाँ पर मैं भूल गया था कि मैं उसके घर में हूँ और उसके यहाँ 4-5 नौकर भी है, 10-5 नौकर भी है, तो इस पर जो है चुड़ामणि को डर लग जाता है कि शायद वह पीटा भी गया है, उसे कोई मारा भी है वहाँ पर। लेकिन मार्तंड कहता है, अगर पीटता तो भी अच्छा था, क्योंकि इधर बहुत दिनों से पीटा नहीं हूँ, लेकिन इसकी नौबत ही ना आए। उसने नौकरों को आवाज दी, पीटा, और फिर 4 आदमी कमरे में घुस आए। उसने कहा मारो, और मैं समझा कि मुझसे कह रहा है। मर्दन कहता है, उसने अपने नौकरों से कहा, वहां पर जो है उसके नौकरों से, अपने नौकरों से कहा कि इसे मारो। मर्दन जब ऐसा बात बोला, उसे गिरा तट है, ये सब है, वो है, तो इस पर जो है वह अपने नौकरों को बुलाकर बोला कि इसे मारो। तो मर्दन समझ लेता है कि वह उससे कह रहा है, और उसने ताना घुसा, और वह बैठा था सामने, सो घुसा ठीक उसकी नाक पर पड़ गया। चूड़ामणि चौंककर हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, वेल डन, शाबाश, फिर लिखने लगता है, लेकिन तुम बच कैसे आए? फिर मार्तन कहता है ब्रश रखते हुए, यह बात हुई कि नौकरों ने संभाला उसे, और मैं तस्वीर उठाकर वहां से भागा। लोग दे दे ले दे करते ही रहे, और मैंने सीधे घर पहुंचकर सांस ली। सब लोग उसे बुलाते रहे, लेकिन वह जैसे घर पहुंचकर ही वह रुका, लेकिन वह आएगा जरूर। गलती से मैं अपनी तस्वीर की जगह उसके बाप की तस्वीर, जो उसी दिन विलायत से बनकर आई थी, उठा लाया हूँ। मर्दन जो चित्र बनाया था, तो वह जो है जो चित्र बनाया था और जिसका कीमत लेने वह गया था वहां पर, तो उसका कीमत वह तो 7 रुपए लगा रहा था, लेकिन वह 7 रुपए में बेचना नहीं चाहता था, तो इसलिए वह अपना तस्वीर समझकर वह उठाकर तो भाग आया उसके घर से, लेकिन वह तस्वीर जो है उसके बनाए हुए तस्वीर नहीं थे, उसके पिता का तस्वीर था। अब चूड़ामणि कहता, खैर चिंता मत करो, मैं परमानंद की सोने की घड़ी उठाकर यह कहता भागा कि अगर 2 घंटे के अंदर रुपया ना दिया तो मैं घड़ी बेच दूंगा। जेब से घड़ी निकालकर वह देखता है बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। दोनों अपना अपना काम रोक कर दरवाजे की ओर देखते हैं, तो आवाज आती है चूड़ामणि जी। मार्तंड कहता है नहीं है। आवाज आता है मार्तंड जी, तो चूड़ामणि कहता है नहीं है। आवाज, आप दोनों मौजूद हैं। फिर आवाज आती है बाहर से, आप दोनों मौजूद हैं, तो आवाज आती है हम दरवाजा तोड़ देंगे। दोनों अंदर से बोलते हैं नहीं खोलेंगे, तो आवाज आती है फिर बाहर से हम दरवाजा तोड़ देंगे। तो चूड़ामणि कहता है बड़ी खुशी से आपका दरवाजा आए, क्योंकि वह वहां पर दरवाजे के बाहर और कोई नहीं, उन लोगों का घर मालिक आया होता है। फिर मार्तंड कहता है और अपनी चीज अगर आप तोड़े तो भला हम रोकने वाले कौन होते हैं। इस तरह से चूड़ामणि और मार्तंड बोलता है। फिर आवाज आती है हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दरवाजा खोलिए। तो चूड़ामणि कहता है किससे, चूड़ामणि से या मार्तंड से कह रहे हैं? चूड़ामणि जो है वह अंदर से बोलता है किससे कह रहे हैं, चूड़ामणि से या मार्तंड से? तो आवाज आती है दोनों से। मार्तंड दरवाजा खोलने का काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है, वह बोलता है। फिर आवाज आती है अगर आप लोग दरवाजा नहीं खोलते तो मैं बाहर से ताला बंद किए देता हूँ। चूड़ामणि ऐसी हालत में दरवाजा हमें तोड़ना पड़ेगा। चूड़ामणि अंदर से कहता है मार्तंड ये और नुकसान होगा आपका ही, आप ही का घर है, आप ही का दरवाजा है। तो आवाज आती है मार्तंड जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दरवाजा खोलिए। तो मार्तंड कहता है हाँ अब तुमने बात ढंग से की। मार्तंड उठकर जंजीर खोलता है, गुलाकी दास का प्रवेश होता है। मार्तंड जंजीर खुली छोड़कर लौटता है और अपनी जगह बैठकर तस्वीर बनाने लगता है। फिर गुलाकी दास बीच कमरे में खड़े होकर 6 महीने हो गए मुझे किराया चाहिए, दोनों चुप रहते हैं।
गुलाटी दास आप लोग सुनते हैं चूड़ामणि, कृपा करके आप बात मारतानी जी से करें। फिर गुलाटी दास कहता है क्यों आपसे क्यों नहीं, तो चूड़ामणि इसलिए कि आपने किवाड़ खुलवाया है मारतानी से, मेरा किवाड़ अभी तक बंद है, लिहाजा आपको मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं। फिर वह अपना लिखने लगता है। फिर मारतान गुलाटी दास की तरफ होकर, लाला गुलाटी दास आपने पहले आवाज दी चूड़ामणि को, वे वहां मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करें। इस तरह से जो है वह अपना किराया वसूल करने के लिए इन दोनों से बातें कर रहा है। फिर गुलाटी दास, मैं आप दोनों से कहता हूँ कि जब से आप लोग इस कमरे में आए हैं तब से आप लोगों ने एक पैसा भी नहीं दिया है। 6 महीने हो गए, 25 रुपए के हिसाब से 150 रुपए होते हैं। तो चूड़ामणि कहता है, लिखना बंद करके गुलाटी दास की ओर घूमता है और कहता है, बिल्कुल झूठ, आपके नाती के मुंडन के निमंत्रण पर मंगलाचरण की कविता मैंने लिखी थी ना, 1 महीने का किराया वह अदा हुआ। अब चूड़ामणि और मार्दन मिल मिलकर जो है गुलाटी दास से जो अपने कलाकारी का जो है वो कीमत गुलाटी दास उसका नहीं दिया था उसके गिनती करवाने लगता है और अपना किराया माफ करवाने लगता है। तो इस तरह से वो कहता है 1 महीने का किराया वह अदा हो गया। उसका चूड़ामणि फिर से लिखना शुरू कर देता है। गुलाटी दास आश्चर्य से चूड़ामणि की ओर देखता है। अखिल मार्दन कहता है तेजी से दूंगा, और आपको पूजा करने के लिए राधा कृष्ण की तस्वीर मैंने बनाकर दी थी ना, 2 महीने का किराया वह अदा हुआ, यह कहकर तस्वीर बनाने लगता है। गुलाटी दास आश्चर्य से मार्दन को देखता है। फिर चूड़ामणि, आपके छोटे लड़के के विवाह पर मैंने कवि सम्मेलन करवा दिया था, 3 महीने का किराया वह अदा हुआ, कहकर फिर वह लिखने लगता है। फिर मार्दन कहता है, जन्माष्टमी में आपके मंदिर की झांकी मैंने सजवा दी थी, 4 महीने का किराया वह अदा हुआ, कहकर तस्वीर बनाने लगता है। और गुलाटी दास आश्चर्य से मार्दन की ओर देखता है, वह कभी उसे देखता है कभी उसे देखता है। गुलाटी दास फिर कहता है, अजी वाह, इतने जरा जरा से काम के रुपए, वह तो आपके अपनेपन में कर दिए दिया था। तो इस तरह से फिर मार्दन कहता है, हमने काम तो किया, आप तो बिना काम किए हुए ही रुपया मांगते हैं। अब घर का किराया वह मांग रहे हैं, गुलाटी दास मांग रहे हैं, तो वो कहता है कि आप तो कोई काम भी नहीं किए और आप पैसे मांग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में इसे मैं पूरा करूंगी। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग अजीब तरह के आदमी हैं। अब चूड़ामणि जो है वह फिर कहता है, और आप भी अपने पर में किराया जाने दीजिए। जब वह कहता है, मार्दन कहता है, हमने काम तो किया, आप तो बिना काम किए हुए पैसे मांगते हैं, और चूड़ामणि फिर कहता है, और आप भी तो अपने पर में किराया जाने दीजिए। अब गुलाटी दास कहता है, आप लोग अजीब तरह के आदमी हैं। अच्छा, यह 4 महीने का किराया हुआ, अब 2 महीने का किराया दीजिए और मकान खाली कीजिए। अब चूड़ामणि कहता है, संसार का एक महाकवि आपके इस चिड़िया खाने नुमा मकान में रहा, 5वें महीने का किराया वह अदा हुआ। चिड़िया खाने मतलब चिड़ियों के रहने के जैसे घर का वह जो है वह बताकर वह 5वें महीने का किराया भी अदा करवा लेता है। उसके बाद मार्तन, संसार का एक श्रेष्ठ चित्रकार आपके इस जानवरों के रहने का भी मकान में रहा, यहाँ पर उसका मकान, उसके मकान को वह अब जानवरों के रहने जैसा मकान को कह दिया, और 6वें महीने का किराया वह अदा हुआ। इस तरह से परमानंद वहां पर फिर अब परमानंद का प्रवेश होता है। परमानंद जो कि एक प्रकाशक है, उसे देखते ही चूड़ामणि उठ खड़ा होता है। चूड़ामणि कहता है, आइए परमानंद जी पधारिए, आपका स्वागत है। अभी अभी आपकी कीर्ति गाथा पर एक पुराण आरंभ किया है, झूठ दगाबाजी मक्कारी दुनिया के जितने छल छंद हैं नहीं बचे हैं, इनसे कोई धन्य प्रकाशक परमानंद, इसलिए हम लिखने बैठे लंबा चौड़ा एक पुराण। तो परमानंद कहते हैं, चूड़ामणि जी अब बस कीजिए, मैं आपके रुपए लाया हूँ। तो चूड़ामणि कहता है,
अच्छा रुपए लाए हैं, मुस्कुराता हुआ रजिस्टर की कविता काटता है, तो फिर यह कुरान लिखना बंद किए देता हूँ। परमानंद जेब से कुछ नोट निकाल कर देता है। चूड़ामणि बैठे बैठे ही नोट लेकर बिना गिने उन्हें जेब में रख लेता है। उसके बाद परमानंद कहता है, अच्छा अब मेरी घड़ी। तो चूड़ामणि कहता है, तो आप घड़ी वापस नहीं जाएंगे? अब परमानंद जी कहता है, जी हाँ। चूड़ामणि बहुत अच्छा, बाएं हाथ से घड़ी निकालकर परमानंद को देता है और दाहिने हाथ से रजिस्टर पर लिखता है, यह लीजिए अपनी घड़ी। और यह शुरू हुआ परमानंद पुराण। उनकी बीवी मना रही है, हो जाए वह जल्दी। इस तरह से जब वह बोलने लगता है तो परमानंद उसे कहता है, हाथ जोड़ते हुए वह कहता है, उसकी बीवी के बारे में जो है वह बताने लगता है। तो परमानंद जी हाथ जोड़ते हुए कहता है, यह घड़ी मेरी ओर से आपको भेंट है। चूड़ामणि घड़ी वापस लेता है। इसी समय लाला रामनाथ वहां पर आ जाता है। लाला रामनाथ के हाथ में एक चित्र होता है और मार्तंड वहां उठ खड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मैं इसे पूरा करूंगी। यह भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है, नाटक है। इसे तुम लोग इतना सुनो, सेकेंड पार्ट में मैं आगे बताऊंगा।